नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने गौतम अडानी को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है और इसी बीच में जनता का एक भयानक वीडियो सामने आया जिसमें जनता सीधे तौर पर जो है अडानी ग्रुप को लेकर के और यहाँ पर गौतम अडानी को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई और सरकार की ओर जो है दबाव डालती हुई नजर आई कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए और जांच के विषय को दबाने की कोशिश ना की जाए। आपको बता दें कि जनता ने अपने इस भड़काऊ भाषण से जो है यहां पर अडानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। सड़कों पर उतरी जनता ने क्या कुछ कहा सुनिए। अडानी ने जो गफला किया है बड़ा, हम सब आम जनता उसके कारण फंस चुके हैं। हम LIC से, SBI से और पूरे देश से के जो जनता है, SBI में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके हित में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो GPC लागू करे। कुल 75,000 करोड़ रुपीस जो है वो आम जनता के जो LIC में और SBI में है उसका क्या होगा। आज जो अडानी है हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। वो भागने से पहले उसका जो अमाउंट है, उनके जो एसेट्स है, उसे फ्रीज किया जाए और LIC से और जो SBI से जो लोन्स है वो वापस LIC और SBI में जाए ताकि आम जनता जो है वो फंसे नहीं। महंगाई से त्रस्त है और ऊपर से अब ये और बड़ी मुसीबत है सारे। देखो LIC में कौन अपना पैसा निवेश करता है, SBI में कौन अपना पैसा निवेश करता है, आम जनता। और ये आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे पॉलिसीज को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमारे पॉलिसीज का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमारे मेहनत के पैसे का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आम जनता को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम जनता को भड़की जनता का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है क्योंकि जनता जो है इस वक्त चाहे यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए हो, सड़कों पर उतरना हो या फिर मीडिया के सामने मुखातिब होकर के बात करना हो, हर जगह पर सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर के जो है बात कर रही है और कह रही है कि अगर अडानी ग्रुप ने जो है घोटाला किया है तो उस पूरे मामले से पर्दा हटना चाहिए क्योंकि ये पैसा जनता का है और जनता के सामने एक एक सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन देखिए अभी तक इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर्स गिर रहे हैं। गिरावट के इस दौर में जो है अडानी को लेकर के कोई भी बड़े खुलासे नहीं हुए हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में यहाँ पर जो है CBI हो, SEBI हो, हर संस्थान जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करेगी। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।